तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग आयरन जो है फ्लिपकार्ट से आ चुका है दोस्तों। ये है एक डिजिटल मल्टीमीटर जिसका मॉडल नंबर ये है HTC का DM86 मॉडल है। तो चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। इसका वोल्टेज ओम पे और बीप रेंज पे मेन यही काम आता है हमारा। तो चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक मल्टीमीटर जिसमें ये मॉडल नंबर सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, और ये मिलेगा ये केबल वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए, और एक ये दिया हुआ है। दोस्तों मल्टीमीटर के पीछे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ एक ढक्कन लगा हुआ था ये देख सकते हैं। इसे खोला तो मैंने, इसमें नॉर्मल सेल लगा हुआ है और एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इस ढक्कन को दोबारा वापस लगा देता हूँ और आगे आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगला जो ये वायर है इस वायर को फिट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉम लिखा हुआ है, कॉम में हमें ब्लैक को लगाना है, और वोल्टेज और ओम जो दिया हुआ है सिग्नल यहाँ पर आपको रेड को लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं खुद से वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसे मैं बीप रेंज में सेट कर देता हूँ। यहाँ पर दो दिया हुआ है, एक बीप रेंज दिया है, एक आपका डायोड रेंज दिया। तो अभी डायोड पर सेट है, तो अगर आप इसे यहाँ दबाएंगे तो ये बीप रेंज पर आ गया, और ये लाइट का बटन है, लाइट चला दी। चलिए ये बीप को चेक करते हैं कैसा साउंड है। ओह सॉरी, वायर एक निकल गया है। ये देख सकते हैं ये बीप रेंज है, आपको शायद बीप का साउंड आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं दोस्तों, पर ये बीप रेंज का साउंड है। ये नॉर्मल साउंड है, ज़्यादा हैवी साउंड तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है आपका ऑल्टरनेटिव करेंट और ये है DC। तो क्योंकि मैं दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने इसे DC वोल्ट पे सेट कर दिया है, और ये लैपटॉप जो है मेरा प्लग इन हो चुका है, ये देख सकते हैं ऑन है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, एक को मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है, और यहाँ पर जैसे फर्स्ट पिन पे चेक करूँ मैं तो ये देख सकते हैं 2.5 वोल्ट, लास्ट पिन पर चेक करूँ तो 19 वोल्ट आ रहा है ये देख सकते हैं आप। और बैटरी कनेक्टर पर भी चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ लगाया मैंने सेकेंड पर लगाया, ये देख सकते हैं ये पिन पर लगाया तो यहाँ पर वेरिएशन होते जा रहे हैं, मतलब 3.3 वोल्ट ऐसा कुछ ऊपर नीचे होते जा रहा है, ठीक है। एक आध मैं और चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कॉइल पे, 1.1 वोल्ट आ रहा है देख सकते हैं आप कॉइल पे। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ही 1.1 वोल्ट, यहाँ बैटरी पर चेक करूँ मैं तो 0.8 वोल्ट आ रहा है। ये 3.3 आई है देख सकते हैं वोल्टेज बैटरी के ऊपर में लगा हो तो। अब चेक करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इसे ओम में सेट करना पड़ेगा, ये ओम में सेट कर दिया मैंने। ओम में सेट करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं आपको ये दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है। तो चलिए ये दोनों साइड टच करना है मुझे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस मैंने चेक किया यहाँ पर 4.6 किलो ओम का है, और मैं देख सकते हैं खुद से दोस्तों शूट करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर मैंने दोनों को लगा के रखा है और मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, ये हिल गया थोड़ा सा, ये देख सकते हैं 4.6 किलो आ गया है। तो ओम पर भी, और दोस्तों मेन हमारा यही रहता है कि आपका वोल्टेज सही दिखा दे, ओम दिखा दे और बीप रेंज पर चेक हो जाए, बाकी सब तो उतने काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर कहा जाए कि इस मल्टीमीटर के बारे में, तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो मल्टीमीटर बेस्ट है अपने रेंज के, अपने प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 1400 में ये मुझे आया है, और 1400 मुझे लगता है कोई घाटा नहीं है। आप फ्लिप को अगर का कुछ का भी किसी कंपनी का लेंगे दोस्तों, तो वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। तो HTC का जो आप देख सकते हैं DM86 मेरे ख्याल से इस प्राइस में सबसे बेस्ट है, तो आप आग बंद करके इसे ले सकते हैं दोस्तों। और हो सके तो मैं एक महीना यूज़ करने के बाद फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा किस तरह से काम कर रहा है। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।